शांति। आज 20 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो साल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को साल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा ने इसमें दो तीन बातें हैं, स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी, इनकॉग्निटो और डूबे बेड़े को पार करना। तो स्पिरिचुअल जिंदगी स्पिरिचुअल है, आत्मा स्पिरिचुअल है, तो उसको सैल्वेज करने का साधन भी स्पिरिचुअल ही होगा। हम समझते रहे आज दिन तक कि हम दुनिया के साधनों से अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, निखार सकते हैं, लेकिन हमने पाया ऐसा नहीं है। सुख साधन कितने ही आपके पास हो, परंतु जब जिंदगी में चैलेंजिंग बातें आती हैं, उसका समाधान सुख साधन नहीं देते। उसका समाधान आपकी जो स्पिरिचुअल कोशंट है, उसके द्वारा ही उसका आंसर मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा ये स्पिरिचुअल, दूसरा रूहानी। रूहानी अर्थात ये रूह के लिए, रूह का बेड़ा डूबा है, शरीर का बेड़ा नहीं डूबा, रूह का बेड़ा डूबा है, तो रूहानी है। इनकॉग्निटो गुप्त है, हम कितना भी कर लें। बाबा कहते हैं बाबा का जो कार्य है वह शोर शराबे से नहीं होता है, बाबा अनाउंसमेंट्स करके नहीं करता है, बाबा अपना कार्य बहुत ही गुप्त रूप से करता है। हम बच्चों को भी गुप्त कहता है, गुप्त पुरुषार्थ है हमारा, गुप्त कार्यकला है हमारी, सब कुछ गुप्त है। और फिर बाबा कहते हैं सेल्वेशन आर्मी, कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं कराता है, वो दो चार के द्वारा नहीं कराता है, पूरी आर्मी तैयार करता है। और उस आर्मी के द्वारा, क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है ना, दो चार से तो कुछ नहीं होगा, संगठित रूप में जब तक युद्ध स्तर पर हम कार्य नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं होती। जो डूबा हुआ बेड़ा है वो सैल्वेज नहीं हो पाएगा। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सरताज राजाओं का राजा बनते हो। ये जो यूनिवर्सिटी है ये वंडरफुल है। एक तो इसमें जो पढ़ाने वाला है वह भी इनकॉग्निटो है, गुप्त है, और जो पढ़ने वाले हैं वो भी इनकॉग्निटो हैं, गुप्त हैं, और जो पढ़ाई है वो भी गुप्त है। और वंडरफुल बात ये है, इस यूनिवर्सिटी में कितने सारे भाई बहनें स्टूडेंट के रूप से वर्ल्ड वाइड भिन्न भिन्न देशों के, भिन्न भिन्न कल्चर्स के, भिन्न भिन्न उसके इकट्ठे ही पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, और पढ़ाई कौन सी है? यूनिवर्स के बारे में है, सृष्टि के बारे में है, और ये पढ़ाई शिव बाबा के सिवाय और कोई पढ़ा भी नहीं सकता है, क्योंकि शिव बाबा ही ज्ञाता हैं।
सारी सृष्टि चक्र की जो हिस्ट्री है उसका ज्ञाता तो बाबा है। हम सब तो जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं, हमको तो अपने सवेरे का भी शाम को याद नहीं रहता, लेकिन बाबा को पूरे कल्प का, क्योंकि वो क्रिएटर है, क्योंकि वो टीचर है, और टीचर जो है उसको ये सारी नॉलेज है। तो हम बच्चों को बताता है, सारे यूनिवर्स की नॉलेज बताता है। बाबा ने कहा कि हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। तो गाते हैं ना, हे मांझी बेड़ी मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। फिर आगे बाबा ने ये भी कहा कि ये जो बात है ना, ये समझने वाली है कि मांझी जो है वो हम शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा हमारी नैया को पार लगाओ। तो बाबा कहता है, बच्चे नैया पार तब लगेगी जब तुम नैया को मेरे हवाले करोगे। तो पहले तो आपको हवाले करना है ना। बाबा हमको रास्ता बताते हैं, बाकी करना हमको स्वयं। और बाबा ने इसमें दुबन का भी हमें बताया कि आत्मा भी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का मिसाल है, पानी समझ जाते हैं परंतु होती वो कीचड़ है और उसमें फिर फंस जाते हैं। दलदल होती है ना, जिसको हम मायर कहते हैं, दुबन कहते हैं, दुबन सिंधी अक्षर है। कीचड़ में, दलदल में आपने देखा होगा, व्यक्ति का अगर पांव पड़ जाए तो निकलना मुश्किल है, वो धंसता ही जाता है, उसको एयरलिफ्ट करना पड़ता है, फंसता जाता है। तो बाबा मिसाल बहुत एक्यूरेट देते हैं। आप अगर उसके उसमें चले गए तो आपका जो बेड़ा है वो बाहर नहीं आ सकता, धंसता जाएगा। उसको बाहर निकालने का साधन बाबा ही बता सकता है, और बाबा बताते हैं जिस आधार से हमारा बेड़ा बाहर आता है। बाबा ने ये भी कहा कि दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जानकर जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वो भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। तो डिफरेंस बताया। सन्यासी भी पवित्र बनते हैं और देवताएं भी पवित्र होते हैं, दोनों में अंतर क्या है? सन्यासी संसार छोड़ करके जाते हैं, और जो देवताएं हैं वो इस पढ़ाई के आधार से ये युक्ति सीख लेते हैं कैसे घर गृहस्थ में रह करके भी अपने जीवन को हम पवित्र पावन बना सकते हैं। तो सन्यासियों का है सन्यास मार्ग और देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग। तो दोनों में महान अंतर है, वो उसको मानते नहीं और वो उसके बीच में रह करके पावन बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं, दे अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। फिर बाबा ने ये कहा कि वो लोग नाम भर रख देते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। फिर आगे बाबा ने भाषाओं के बारे में भी, ऐसे नहीं कि वहाँ संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। तो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं, संस्कृत भाषा कोई राजाओं की भाषा की नहीं है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सत्युग के लिए। बाबा ने बताया कि भगवान जो पढ़ाता है वो बहुत सहज भाषा में पढ़ाता है। भगवान ऐसी भाषा यूज़ नहीं करते जो केवल थोड़े से लोग समझ सकें, क्योंकि उनके तो सब बच्चे हैं। तो सब बच्चे होने के नाते बाबा जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी सिंपल हिंदी यूज़ करते हैं। तो संस्कृत में नहीं पढ़ाएगा,
क्योंकि वो तो विद्वत जन ही अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन वो तो भोलानाथ है, विश्व पिता है, तो सब बच्चे जिस चीज़ को समझ सकें उस द्वारा हमें पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता है, ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। सूक्ष्म वतन और मूल वतन इस दुनिया से पार है, आकाश तत्व के पार है, और आकाश तत्व के पार ये यहाँ के रॉकेट नहीं जा सकते, वह आत्मा रॉकेट ही जा सकती है। तो बाबा कहता है कि उसको विश्व नहीं कहेंगे, क्यों, वहाँ पे पाठधारी नहीं है ना, वहाँ हम आराम से रिलैक्स्ड उसमें बैठे हैं। पाठधारी आत्माएं ड्रेस पहनेंगी तब तो पार्ट प्ले करेंगी, तो शिव बाबा के साथ हम आत्माएं जो रहती हैं, जब हमारा अप्रोप्रिएट टाइम आता है तो हम इस संसार रंगमंच पर आते हैं। तो रंगमंच को विश्व की संज्ञा दी जाती है, उनको नहीं। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे, सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे, इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है, गाया भी जाता है, रिलिजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से, एक ही देवी देवताओं का रिलिजन है जिससे माइट मिलती है। रिलीजन इज माइट, बाबा कहते माइट जो वो तुमको संगम युग पर मिलती हैं, और वो संगम युग पर कैसे मिलती हैं, रिलीजन जो देवी देवता घराना है वो तो सबसे शक्तिशाली धर्म है ना, क्योंकि उसमें आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, और उस धर्म के साथ राज्य और घराना तीनों की एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठी इकट्ठी होती है। तो धर्म भी हुआ, राज्य भी हुआ, और घराना भी रॉयल फैमिली है, तो उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से बाबा कहते रिलीजन इज माइट। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में आते हैं, है सारी ज्ञान की बात, उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार दिखा दिए हैं, तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, हिंसा की कोई बात नहीं। और आगे बाबा ने जो हमें सार में कहा था कि तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी, ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है, तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो। ये बात पहले भी बाबा ने बताई है कि कैसे तुम बच्चे जान जाते हो, समझ लेते हो, तो फिर तुम बच्चे आगे चल करके औरों को भी बताते हो, उनका बेड़ा भी आप सैल्वेज करते हो। फिर बाबा ने देलवाड़ा मंदिर को भी याद किया, हूबहू तुम्हारा यादगार है, मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं, शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। ये दिलवाड़ा मंदिर, बाबा कहते ये तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है, क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर में वहाँ पे तपस्या करते हुए आदिदेव आदि देवी दिखाए हैं, और जो ऊपर छत है उस छत में वैकुंठ के चित्र हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम तपस्या करते हो तब से राज पाते हो, ये वहाँ पर दिखाया। भारत सत्युग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके, इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी, जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। वो है पवित्र दुनिया, पवित्र दुनिया में अपवित्र की एंट्री नहीं है, तो अपवित्र जो है वो तो उनको पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं या तो ज्ञान से पवित्र बनो, और ज्ञान से पवित्र नहीं बनोगे तो मार खा के पवित्र बनना पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेंगे। और जो बाबा ने कहा है कि तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में आत्माओं का सिजरा कायदे मुजीब है, तो सिजरा यानी सेक्शन, हर एक धर्म की आत्माएं है ना, वो अपने अपने सेक्शन में होती हैं, और फिर उसके साथ साथ
जिन्होंने पहले आना वो पहले होंगी, जो बाद में आना जैसे फैमिली ट्री के, हाँ उस तरीके से। और उसमें बाबा ने ये भी बताया कायदे मुझे में पहले शिव बाबा होता है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, फिर मेरु होता है। आज की मुरली से हमें बाबा ने जो वरदान दिया है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ये बाबा हम बच्चों को, हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि तब अच्छा काम करेगी जब उसको भोजन, उसका इनपुट भी अच्छा होगा। अगर अशुद्ध होंगे संकल्प तो बुद्धि क्या काम करेगी, निर्णय भी नहीं देगी, समझेगी भी नहीं। इसलिए बाबा कहते उसमें शुद्ध संकल्पों का भोजन दो। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। स्टॉप एंड स्टॉक, भीती को फुल स्टॉप, व्यर्थ को फुल स्टॉप और जो शुभ भावना है उनका स्टॉक अपने पास जमा कर। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।